पंजाब में हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम में गड़बड़ी के लगाए आरोप, कहा विरोधी लहर के बावजूद अकाली बीजेपी गठबंधन को कैसे मिले इतने वोट, चुनाव आयोग से ईवीएम की जांच की मांग। केजरीवाल के आरोपों पर सुनील जाखड़ की नसीहत, कहा मानना चाहिए लोगों का फैसला। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल बोली, पंजाब के लोगों ने टोपी पहनाकर घर भेजा तो बिगड़ा मानसिक संतुलन, आत्मचिंतन की बताई जरूरत। दाखा से आम आदमी पार्टी के विधायक एच एस फुलका होंगे पंजाब विधानसभा में विरोधी पक्ष के नेता, दिल्ली में आप विधायकों की मीटिंग में फुलका के नाम पर लगी मुहर। एसवाईएल पर पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने सूबे की जनता को किया सतर्क, कहा एसवाईएल के लिए तैयार रहे जनता, साथ ही अकाली वर्करों का किया धन्यवाद और दिया हौसला, कहा वर्करों के साथ है पार्टी। पुरानी सरकार से कैप्टन को मिले कितने गड्ढे, जनता से किए वादे कैसे पूरे करेंगे कैप्टन, कौन कौन कैबिनेट में हो सकता है शामिल। कांग्रेस की महाजीत के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का पहला इंटरव्यू डायरेक्ट दिनेश में आज शाम 5:30 बजे। दिल्ली के जंतर मंतर पर एसवाईएल नहर के निर्माण को लेकर इनेलो का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं पर किया गया लाठी चार्ज, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इनेलो तुरंत एसवाईएल के निर्माण की मांग कर रही है।